जी जुनैद, इसे प्लीज गोली मत मारना प्लीज। जी चाहता है इसके साथ साथ तुम्हें भी गोली मार दो। इस लफंगे के चक्कर में आकर सब कुछ भूल गई तुम? हाँ, किसी के बारे में नहीं सोचा तुमने, ना मेरे बारे में, ना तुम्हारी बहन के बारे में, ना हमारे खानदान की इज्जत के बारे में। क्या जवाब दूंगा सिंघानिया साहब को कि इस दो कौड़ी के आदमी के चक्कर में आकर तुम उनके बेटे के साथ शादी करने से इनकार कर रही हो? तुझे तो मैं देखिए प्लीज आप ये पिस्तौल नीचे कर लीजिए, कहीं आपके हाथ से गोली चल गई तो मैं तो चला जाऊंगा ऊपर, मगर बाद में आपका क्या होगा सोचा? ज्यादा से ज्यादा जेल होगी ना, तैयार हूं मैं इसके लिए। लेकिन अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम दोनों मिलकर मुझे बर्बाद कर दोगे, और सिंघानिया साहब की कंपनी की ओर से मुझे जो करोड़ों रुपए का कंसाइनमेंट मिलने वाला है वो मेरे हाथ से छिन जाएगा। तुझे तो नहीं जीजू, नहीं नहीं नहीं, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। मैं सिंघानिया के बेटे से शादी भी करूंगी, लेकिन इसे मत मारिए प्लीज, इसे मत मारिए। आप जो कहेंगे मैं हर बात मानूंगी। मैं तो इससे, मैं इससे आखिरी बार मिलने के लिए आई थी, मैं इसे कहने आई थी कि इसके बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी इससे, लेकिन प्लीज मैं इसे भूल जाऊंगी, मैं इसे भूल जाऊंगी। आप इसे गोली मत मारिए बस। लिया इसने क्या कहा? हाँ, और तुम मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश नहीं करना। और रही बात तुम्हारी, आज तुम्हारी शामली से आखिरी मुलाकात है, आइंदा अगर इसे मिलने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी के साथ तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी, समझ गए? ना चलो, कम कम चलो, मैंने कहा चलो मेरे साथ, चल विक्रम जी, शाम को घर वक्त पे पहुंच जाना, कहीं बाहर मत जाना। कोई खास वजह? शामली और उसकी फैमिली को हमने घर पे डिनर पे इनवाइट किया है, क्योंकि तुम और शामली एक दूसरे से ठीक से मिले भी नहीं हो। विक्रम, क्या सोच रहे हो? क्या शामली को आपने सब कुछ बता दिया? हाँ बता दिया। Are you sure, Dad? Make sure you're at home when they come, विक्रम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो विक्रम भैया से मिलने आया था डैडी जी। और ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर ऑफिस मत आया करो। क्या खराबी है इन कपड़ों में? हेलो मिसेस सिंघानिया हियर। हेलो मिसेस सिंघानिया, आई मीन मोहन। हाय हाय, तेरी आवाज इतनी खुटी खुटी सी क्यों आ रही है? क्या कोई तेरा गला दबा रहा है बच्चे? हाँ नहीं नहीं मॉम, एक्चुअली मैं वो समोसा खा रहा था ना, इतना टेस्टी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तू ना मेरी बात कभी मानता नहीं है। अरे ये तली हुई चीजों से ना बुद्धि ठस हो जाती है बेवकूफ। अरे नहीं नहीं मॉम, मेरा माइंड तो सुपर शार्प है, सुपर शार्प, उस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो सकता। अच्छा मॉम, आज के डिनर मेन्यू में मेरी एक फरमाइश ऐड कर लीजिए प्लीज। आज शाम को गेस्ट तो आ ही रहे हैं, उनके लिए आपको मीठा तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन पहले ये तो बता कि आ कौन रहा है? अरे विक्रम भैया के नए ससुराल वाले, डैडी जी ने उन्हें इनवाइट किया है। मामा खीर बनाओगी ना? क्या बात है बहना, बहुत टेंशन में लग रही हो, सब ठीक तो है? वो क्या है ना छोटे, कि बात आगे बढ़ रही है। साहब ने उन्हें आज डिनर पर बुलाया है। बहना हमें तो लगता है ये शादी होके रहेगी। छोटे तू शुभ शुभ बुला कर ना। बहना मेरे कहने से ना शुभ होगा ना शुभ, अगर ये शादी रोकनी है तो आपको कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। चक्कर? छोटे
तू तो बस देखता जा, आज शाम को ऐसा चक्कर चलाओगी, ऐसा चक्कर चलाओगी कि शादी तो शाम को ही टूट जाएगी। तुमने अपना इरादा बदल दिया है या उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? नहीं नहीं जीजू, मैंने झूठ नहीं बोला। अगर झूठ बोला भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सूरत में तुम्हारी शादी सिंघानिया साहब के लड़के से ही होगी। अगर तुम सच बोल रही हो तो उस लड़के की जिंदगी रहते हुए होगी, और अगर कहीं झूठ बोल रही हो तो मेरे हाथों उस लड़की की मौत के बाद होगी। जीजू, मैं सिद्धांत को भूल जाऊंगी, आई प्रॉमिस, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। ठीक है, और सुन, इस तरफ कभी तेरा आना हो तो मेरे घर आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। किससे बात कर रही थी? जी वो मेरी फ्रेंड अनीता के साथ। आप दोनों साथ में कहाँ से आ रहे हैं? बताओ बताओ, अपनी बहन को बताओ। बिना बताए कहाँ चली गई थी तू? पता है तुझे मैं तेरे लिए कितनी परेशान हो रही थी। कहाँ मिली है आपको? मंदिर में, सिद्धांत के साथ। लेकिन टेंशन मत, आखिरी बार सिद्धांत से मिलने गई थी, अब वो विक्रम के साथ शादी करने के लिए भी तैयार है, और वो भी खुशी खुशी। श्यामली मान कैसे गए? सिर्फ फिरे लोगों को लाइन पर लाना मुझे अच्छी तरह आता है। श्यामली, तेरे जीजू जो कुछ भी कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या तूने उनसे ये वादा किया है कि तू सिद्धांत को भूल जाएगी और विक्रम से शादी कर लेगी? जीजू के साथ साथ आप भी तो यही चाहती है ना दीदी? मर्जी तो आपकी भी यही है। जो उनकी मर्जी वही मेरी मर्जी, फिर जिंदगी चाहे उनकी हो, मेरी हो या तेरी। दीदी, जीजू ने आपसे शादी करके क्या कोई मेहरबानी की है आप पर? धीरे से बोल। क्यों डरती है दीदी आप इतना? उनके सिवा हमारा इस दुनिया में और है ही कौन? न माँ, न बाप, न भाई, और इस घर के अलावा और दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है हमारा। आखिर पति है वो मेरे। लेकिन क्या आपको वो पति की तरह ट्रीट करते हैं? पति नहीं, सर्कस के रिंग मास्टर लगते हैं वो मुझे, जो आपको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। ऐसा नहीं कहते, और हाँ, गलती से भी कभी उनके सामने ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। तरस आता है दीदी मुझे आप पर। क्या वाकई में तूने विक्रम से शादी करने का फैसला कर लिया? हाँ। मुझसे नजरें मिलाकर जवाब दे। कहा ना हाँ,
और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, तेरी खुशियों के लिए भी नहीं कर सकती। सॉरी। हेलो, Why don't you speak? अगर बात नहीं करना चाहती तो फोन क्यों करती हो? मैं जानता हूं कि तुम What do you want? क्यों करती हो मुझे ब्लैंक कॉल? I mean, at least say something. एक हेलो तो बोल दो। शारदा जी भी आप यहाँ इस वक्त नहीं? मेरा मतलब है कि आप बिना बताए, मेरा मतलब है कि आप कभी भी आ सकती हैं, लेकिन आप यहाँ इस वक्त? जी मैं श्यामली से मिलने आई हूँ, बहुत जरूरी काम है। वो घर पर ही है ना? हाँ हाँ, वो घर पर ही होगी ना, और कहाँ जाएगी। आप बैठिए, मैं बुला के लेके आता हूँ। नहीं नहीं, रश्मि रश्मि जी, सिंघानिया साहब की वाइफ आई है। क्या? नीचे हॉल में बैठी है, लेकिन टेंशन की बात यह है कि अचानक क्यों आई है? कहती है श्यामली से मिलना है। श्यामली से मिलने आई? इसे लेकर चल दे नीचे, आ जाओ जी। और समझा देना इसे, उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। सिंघानिया साहब की वाइफ तुझसे मिलने आई है। देख श्यामली, उनसे अच्छी तरह से मिलना और इस बात का ख्याल रखना कि कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो। और हाँ, अपने जीजू को नाराज होने का मौका मत देना, ठीक है? बस वो आ ही रही है, आप आराम से बैठिए ना। मैंने उसे बताया कि आप आई है तो खुशी से उछल पड़ी, पर शर्मीली लड़की है ना, तो अपनी खुशी दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर पाती। बस आती ही होगी। ये लो, आ गई। आ,
आओ आओ शामली बेटा, कोई नाटक मत करना। आओ आओ, अपनी सासू माँ के पैर छुओ, छुओ छुओ। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम तो मेरे पास बैठो। आओ यहाँ कोई तमाशा हो रहा है हा? जाओ जाके कोल्ड ड्रिंक का बंदोबस्त करो, जाओ बैठो। उस दिन काफी जल्दबाजी में थी तो ना ही तुम्हें जी भर के देख पाई और ना ही तुमसे बात कर पाई, और तुम्हारा मूड भी कुछ ठीक नहीं था। सच कहूं तो तुम्हारी और विक्रम की जोड़ी काफी काफी जचेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा भी यही ख्याल है। देखिए ना, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, उस दिन ऐसे ही खाली हाथ आ गई। दरअसल हमारे यहाँ पर जब नई बहू को पहली बार मिलते हैं ना, तो शगुन के तौर पे खानदानी हार देते हैं। अच्छा है ना, जब तुम हमारे घर पहली बार आओगी ना, तो इससे पहन कर लो। रख लो, शर्माओ मत, लो ना, जरा संभाल कर, बेहद कीमती है। ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है, खानदानी परंपरा। सबसे पहले इसे साहब की बीवी ने पहना, फिर मैंने, और अब इसकी बारी है। उम्मीद करती हूँ तुम इसे लंबे अरसे तक पहनोगी। विक्रम की पहली बीवी की तरह इसे उतार कर विक्रम को छोड़कर चली नहीं जाओगी। आप लोग इतने हैरानी से क्यों देख रहे हैं? साहब ने तो आपको बताया ही होगा विक्रम की पहली शादी के बारे में। जी वो उन्होंने तो आप कुछ कह रही थी ना। हाँ वो... जी जी नहीं, कुछ नहीं। श्यामली सच, तुम बहुत बड़ी दिल वाली हो। ये रिश्ता मंजूर करके तुमने विक्रम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। विक्रम की बिखरी जिंदगी को समेट लिया है। वरना कौन सी लड़की एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी करेगी? थैंक्स बेटा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। जी